मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश भर में 2 दिसंबर से एक नया टीकाकरण अभियान आरंभ करने जा रहा है, जिसे इंटेंशन फाइट मिशन इंद्रधनुष 2 का नाम दिया गया है। 2 दिसंबर से आरंभ इस टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सर्वे आरंभ किया था। यह सर्वे 22 नवंबर को समाप्त हो चुका है। सर्वे के आधार पर चयनित 0 से 2 साल तक की आयु के बच्चों को लगभग 10 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। 4 चरणों में पूरा होने वाला यह अभियान पूरे 4 माह चलेगा। हर सप्ताह 7 दिनों तक हर एक चरण के तहत चयनित बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इंदौर जिले के मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि पहले चरण में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान चलाया था। प्रदेश सरकार के आदेश पर अब इंटेंशन फाइट मिशन इंद्रधनुष 2 आरंभ किया जाने वाला है। देखिए, 2 वर्ष तक के बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण हो जाए, ये इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी जगह का यदि टीकाकरण का उद्देश्य स्तर देखना हो तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर जन्म से लेके 1 वर्ष तक के बच्चों को मीजल्स तक का सारा टीका लगा है कि नहीं, तो उसे हम पूर्ण इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और 2 वर्ष तक के बच्चों को खसरे का पहला टीका लगा है कि नहीं, तो उसे हम संपूर्ण इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष पार्ट 2 आया है, इसके पूर्व में 2017 अक्टूबर से लेकर 2018 जनवरी तक पार्ट 1 चलाया जा चुका है। इंदौर शहर में ये चलाया गया था, इस बार इंदौर जिले भर में चलाया जाएगा। इसमें सर्वे का कार्य किया जा चुका है और कल ये समाप्त होकर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके पश्चात हमें ये पता चलेगा कि हमारे कितने हितग्राही हैं जिन्हें हमें टीकाकृत करना है या जो टीकाकृत से वंचित रह गए हैं। इसके बाद टीम जाकर शिविर लगाएगी और इन बच्चों को मोबिलाइज किया जाएगा, घर घर से जाके लाया जाएगा।